Hey guys, this is Pooja and you're watching me on Housewife's Diary. Friends, आज हम सिंगाड़े के आटे की कचौड़ी बनाकर तैयार करेंगे जो व्रत में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं आज हम सिंगाड़े के आटे की कचौड़ी। सिंगाड़े के आटे की कचौड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2.5 कप सिंगाड़े का आटा, 4 बॉइल्ड आलू, हरी मिर्च कटी हुई, हरा धनिया, अगर आप व्रत में हरा धनिया ना खाते हो तो अवॉइड इट, व्रत का नमक और फ्राई करने के लिए ऑयल। सबसे पहले फ्रेंड्स हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे या फिर आप फोर्क से आलू को मैश कर लीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आलू मैश हो गए हैं, कद्दूकस कर लिया है मैंने इनको। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे और अब व्रत वाला सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। सारी चीजों को हम आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे स्पून की हेल्प से। अब सिंगाड़े का आटा ऐड करेंगे। अब फ्रेंड्स सिंगाड़े के आटे को और आलू के मिक्सचर को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इस पोजीशन पे फ्रेंड्स हमें अभी पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि इस आटे को गूंथने में बहुत ही कम पानी का यूज होता है। इसलिए फ्रेंड्स पहले आप आलू की जो नमी है उससे जो आटा गीला होगा आप उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, अभी पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आलू को मैंने आटे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आप ये भी देख सकते होंगे कि आलू की नमी की वजह से आटा हाफ तो गूंथ चुका है, अब हम उसको हाफ और गूंथेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स 2.5 कप सिंगाड़े का आटा मारने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी से भी कप यूज़ किया है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम आटा मार के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आटा लग गया है, अब हम इसकी जल्दी से कचौड़ी बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स छोटी छोटी लोई निकाल लीजिए। आप जिस भी आकार की कचौड़ी तैयार करना चाहते हैं आप उस आकार की लोई निकालिए। अब हल्के हाथों से पेड़ा तैयार करिए, बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से पेड़ा नहीं तैयार करना है आपको, हल्के हाथों से प्रेस करते हुए पेड़ा तैयार करिए। हल्का सा सिंघाड़े का आटा पेड़े में लगाते हुए अब हम पेड़ा को बेलेंगे। घुमाते हुए फ्रेंड्स कचौड़ी को बेलिए। अगर आप डायरेक्टली कचौड़ी को ना बेल पा रहे हो तो आप पन्नी की हेल्प भी ले सकते हैं। आप कोई भी जो नमक की पन्नी आती है या फिर कोई दूसरी पन्नी पर पेड़े को रख के हल्का सा तेल लगा के कचौड़ी बेल सकते हैं, उससे फ्रेंड्स बहुत ही इजीली कचौड़ी बेल जाती है। कचौड़ी को फ्रेंड्स हमें बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम सारी कचौड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में ऑयल गरम करें। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है, आप भी तिल का तेल या सनफ्लावर ऑयल यूज करें व्रत में या घी का यूज करें। तेल गर्म होने पे अब हम कचौड़ी फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। आपको फ्रेंड्स एकदम से कचौड़ी को पलटना नहीं है, नहीं तो वो टूट जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ अच्छी तरीके से फूल भी गई हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम सारी कचौड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स सारी कचौड़ियाँ बनाकर मैंने एक प्लेट में सर्व कर ली हैं। आप भी फ्रेंड्स इनको नवरात्रि के फास्ट में जरूर से ट्राई करिए, ये बहुत ही आसानी से बनती हैं, बहुत ही टेस्टी होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी कचौड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से फूली भी है। सो फ्रेंड्स आई होप आप भी इसको ट्राई करेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी कचौड़ी बनकर तैयार है। अगर फ्रेंड्स आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक या कमेंट करना ना भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। मैं फिर आपसे मिलूंगी किसी दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग।